हे गाइस वेलकम टू मास्टर शेफ। आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैक्रोनी है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बोल की आवश्यकता है और आप जितने मेंबर हैं उसी हिसाब से आप बोल को बढ़ा दीजिए। तो जितनी कटोरी आप मैक्रोनी ले रहे हैं उतने ही ग्लास फुल ऑफ पानी आप लेंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे तीन कटोरी मैक्रोनी ली है तो मैंने यहाँ पे तीन ग्लास पानी में मैक्रोनी को उबाल ले रख दिया है। पानी का हिसाब आप देख लीजिएगा, पानी हमेशा मैक्रोनी में उबालते समय ज्यादा रहना चाहिए। तो दोस्तों जब आप मैक्रोनी बनाएं तो आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी बहुत कम मात्रा में मैं हल्दी दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसमें अभी बॉईल होते समय ही हल्दी डाल दूंगा। इससे क्या होता है कि मैक्रोनी का एक जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही में दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी डालता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल भी तकरीबन आधी चम्मच डाल दें। तो जो बेसिकली अभी हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो हमारी मैक्रोनी है अच्छे तरीके से उबल जाए, उसमें कलर आ जाए और आपस में वो चिपके ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मैक्रोनी ना चिपके। पानी अगर आपको कम लगे तो पानी आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो पानी मैक्रोनी काफ़ी अच्छा एब्जॉर्व करती है। तो मैक्रोनी सही से फूले इसके लिए आपको पानी की क्वांटिटी एकदम सही रखनी है। आप देखते रहें और पानी अगर आपको लगता है कि पानी कम हो गया है और मैक्रोनी नहीं पकी है तो उस हिसाब से आप पानी बढ़ा दें। तो चलिए दोस्तों हम इसको बॉईल होने देते हैं और जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है अच्छे से तब तक हम यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैं ले रहा हूँ शिमला मिर्च और एक गाजर और दो प्याज। साथ ही में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट अगर आपके पास है तो गुड है, नहीं तो आप थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना लें। इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ 5 और 6 लहसुन और 1 इंच अदरक के टुकड़े को इसकी मदद से ग्रेट कर लूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वेजिटेबल्स काट दी है। ओके, तो मैक्रोनी को उबलते हुए तकरीबन हो चुका है 8 मिनट और अब हम 1-2 पीस मैक्रोनी के निकाल के देखते हैं कि ये सही से बॉइल हुई है या नहीं हुई है। आप इसे खा के चेक करिए। दोस्तों मैक्रोनी बॉयल हो गई है, तकरीबन 8 मिनट मुझे लगा और मैक्रोनी अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी उबली हुई मैक्रोनी आ गई है और अब हम इसको इस छलनी में डालेंगे ताकि इसमें से पूरा का पूरा पानी निकाला जा सके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको अब इस मैक्रोनी को अच्छे तरीके से रिंस कर लेना है कोल्ड वाटर में। तो आइए दोस्तों इसको हम फटाफट से धो देते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्रोनी में जो एक स्मेल होती है, जो कि जब मैक्रोनी बनाई जाती है कंपनीज में फैक्ट्रीज में, तो उसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है मैदे की उसको निकाल देता है। और दूसरी बात यह कि ऐसा करने से ये आपस में चिपकती भी नहीं है। इसके बाद हमको इसको ऐसे करके रख देना है थोड़ी सी स्लैंट पोजिशन में ताकि इसमें से पूरा का पूरा पानी निकल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है गाजर, यहाँ पे है कैप्सिकम जो कि है लाल और हरे रंग में, अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो आपके पास अगर ये वेजिटेबल्स हैं तो गुड, नहीं तो आप इनके बिना भी मैक्रोनी को बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर लेनी है और उसके बाद इसमें हम तेल डालते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हम ऑयल यूज़ करेंगे वो है रिफाइंड ऑयल। तो कभी भी आप फास्ट फूड या फिर चाइनीज़ फूड बना रहे हैं तो उसमें आप हमेशा रिफाइंड को ही यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ ना करें, उससे टेस्ट बिगड़ जाता है। और आप देख सकते हैं कि तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज। और प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अब हम इसमें डालते हैं गाजर और उसके बाद हम यहाँ पे कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम्स को आप मीडियम पे रखिएगा, नहीं तो इसमें अदरक जो है वो जल सकती है। वही दोस्तों इसमें कुछ ऐड करते हैं बेसिक मसाले और बेसिक मसाले में यहाँ पे मैं इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच ऐड कर रहा हूँ और रेड चिलीज। हमको इसमें हल्दी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब हमने मैक्रोनी को बॉयल किया था उसी समय पर हम हल्दी डाल चुके हैं। थोड़ा सा विनेगर हम इसमें ऐड करेंगे, लगभग आधी चम्मच, और चाइनीज क्विजीन की कम्प्लीटनेस के लिए थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा सोया सॉस आपको ऐड नहीं करना है वरना इसका कलर ब्लैक हो सकता है। ये मैंने आधी चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। फ्रेंड्स इस समय पे हमारी मैक्रोनी की ग्रेवी तैयार हो गई है, अब हमें सिर्फ इसमें मैक्रोनी ऐड करनी है। लेकिन उससे पहले हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हैं तो वो पक्का ऐड करिएगा या फिर ऑरिगैनो। और मैक्रोनी से भी पानी काफ़ी अच्छी तरीके से निकल चुका है। मैक्रोनी आपको धीरे धीरे करके ऐड करनी है, सारी की सारी मैक्रोनी आपको एक साथ ऐड नहीं करनी है।
यहाँ पे मैंने 3 कटोरी मैक्रोनी ली थी और आप देख सकते हैं कि लगभग कढ़ाई पूरी भर चुकी है और 3 बोल 3 लोगों के लिए एकदम सफिशियंट है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैक्रोनी हमारी एकदम रेडी है। अब इसमें हम जो लास्ट इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं वो है काली मिर्च। किसी भी चाइनीज फूड को अगर आप मसालेदार बनाना चाहते हैं तो लास्ट में आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर जरूर ऐड करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी मैक्रोनी एकदम तैयार है और इसका असली लुत्फ आपको मिलेगा चाय के साथ में, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है कुछ भी आप खाएं नाश्ते में, तो चाय के साथ आप मैक्रोनी का मजा लें। बताओ कैसी लग रही है मैक्रोनी? बढ़िया। प्रशा आपको कैसी लग रही है? प्रशा वाओ, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और एक बार आप इस तरीके से मैक्रोनी जरूर बना के देखें, आपको बिल्कुल पसंद आएगी और ऐसे बच्चे भी शौक से खाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल कुक लाइफ मास्टर शेफ को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही किचन टिप्स और रेसिपीज आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।